हेलो नमस्कार, मैं हूँ विनीता माला। आइए आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में, क्योंकि दीपावली आने वाली है। दीपावली के त्योहार की धूम धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। धनतेरस से पंच महोत्सव का प्रारंभ हो जाता है। कोई भी खरीदारी करने का यह सबसे शुभ दिन माना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से जाना जाता है, जो इस वर्ष 5 नवम्बर 2018 सोमवार को पड़ेगी। इसे धन त्रयोदशी के भी नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। इसी के अनुसार ये मान्यता है कि बर्तन, आभूषण, स्वर्ण, चांदी की खरीदारी से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। इसी दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा होती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी जीवन में ढेर सारी समृद्धि और सुख लेकर आती है। धनतेरस की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर्मों से निपटकर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ये सबसे अचूक उपाय है, इसे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी और लक्ष्मी जी खुश रहेंगे। धनतेरस को मनाने के लिए कई पौराणिक कथाएं हैं जो धनतेरस के मायने जानने के लिए महत्व बताते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की ओर आ रहे थे, ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ तभी चल सकते हो जब आप मेरा कहना मानोगे। माँ लक्ष्मी, हाँ आप जो कहोगे मैं वो मानूंगी। तो भगवान विष्णु ने उन्हें अपने साथ आने की इजाजत दे दी। वे भगवान विष्णु के साथ पृथ्वीलोक पर आ गए। वहां पहुंचकर विष्णु जी ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मी जी को स्थान विशेष पर खड़े रहने के लिए कहा। इसके बाद वो दक्षिण दिशा में चले गए। माँ लक्ष्मी जी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहां पर उन्हें किसान के खेत में सरसों का फूल दिखाई दिया। उन्होंने उस फूल को लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु जी ने उन्हें देख लिया और क्रोधित हो श्राप दे दिया। बोले कि 12 वर्ष तक किसान की सेवा करें। लक्ष्मी जी के कहने से किसान के घर में धन धान्य भंडार भर गए। 12 वर्ष के बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। तो माँ लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ सफाई करके रात में घी का दीपक जलाओ, एक तांबे का कलश लें और उसमें रुपए और पैसे भर के शाम को मेरा पूजन करो। ऐसा करने से मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। माना जाता है कि तब से ही आम जनों ने तेरस के दिन इस देवी की पूजा करना शुरू कर दिया। जब से आज भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करने के लिए धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस की पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का ख्याल जरूर रखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस की पूजा करने का जो भी महत्व बताया गया हो वह अपनी जगह है। बावजूद इसके सच यह भी है कि सच्चे मन और पवित्र विचारों से देव देवताओं की पूजा करने से ही घर में सफलता आती है। अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार कुछ भी खरीदें और माँ से प्रार्थना करें कि अगले साल इस योग्य बनाएं कि अपनी इच्छा से जो भी चाहे खरीद सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी कथा पसंद आई है तो उसे शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।